कल पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का विदेश यात्रा समाप्त हुआ है और उनका आगमन होने वाला है। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं के साथ और लाभार्थी के साथ संवाद करने वाले हैं। उनके तरफ से भी पूछा जाएगा और इधर से भी उनको जो लोग पूछना चाहेंगे, जो जवाब देना चाहेंगे, दोनों तरफ से संवाद होने वाला है। तो उसकी एक बड़ी तैयारी देश में भी है और ख़ास करके हम लोग बिहार में इसकी बड़ी तैयारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बहरहाल बड़ी जो तैयारी है वो बिहार में की जा रही है बिहार भाजपा द्वारा। हमारे साथ सरल झा जी हैं। मैम, क्या तैयारियां हैं इस बेमिसाल 9 साल को लेकर? कल पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का विदेश यात्रा समाप्त हुआ है और उनका आगमन होने वाला है और एक बड़ी तैयारी, ये तो पहले से तैयारी तय थी, हमारा दिन भी सुनिश्चित था कि 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं के साथ और लाभार्थी के साथ संवाद करने वाले हैं। उनके तरफ से भी पूछा जाएगा और इधर से भी उनको जो लोग पूछना चाहेंगे, जो जवाब देना चाहेंगे, दोनों तरफ से संवाद होने वाला है। तो उसकी एक बड़ी तैयारी देश में भी है और ख़ास करके हम लोग बिहार में इसकी बड़ी तैयारी किए हैं। हर एक बूथ पर हमारे कम से कम 100 कार्यकर्ता तो बैठेंगे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को सुनने के लिए और सभी मंडलों में जो हमारा मंडल है उसमें एक बड़ी तैयारी हम लोग किए हैं। 501,000 लोग वहाँ रहेंगे, बड़े बड़े LED TV लगेंगे और जितने भी हमारे बिहार के माननीय लोग हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, पूर्व के जो हमारे विधायक विधान पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने अपने अपने मंडल को चिन्हित किया है और सभी कल 10:30 बजे उस मंडल पर रहने वाले हैं और विशेष करके प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहां रहेंगे और प्रदेश कार्यालय में हमारी लाभार्थी बहनें आएंगी, उनके साथ संवाद होने वाला है। यहाँ पर जो लाभार्थी बहनें रहेंगी उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट संवाद होने वाला है, यहाँ से बहनें भी जुड़ेंगी। तो एक भव्य आयोजन है और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब का मंडल चयनित कर रहे हैं, बूथ कर रहे हैं, सभी का रिपोर्ट आ रहा है कि कल किस किस जगह लोग रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद होगा। कई तरीके की जो योजनाएँ रही केंद्र सरकार की और उसे सफल बताया गया, महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ, तो कल जब महिलाएं उनसे संवाद करेंगी डिजिटल माध्यम से, तो क्या लगता है जो महिला अब तक चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी उनके लिए भी फायदा होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ जुड़ गए हैं कि आप जाइए दूर दराज में भी जाइए तो हमारी बहनें आपको एक सब तो ज़रूर बताएंगी कि आज तक जो किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया और आज हम जो राशन खा रहे हैं फ्री में वो माननीय मोदी जी के द्वारा ही खा रहे हैं। लोगों का घर भी मिला, लोगों को शौचालय मिला, लोगों को आज राशन फ्री में मिल रहा है। मुझे लगता है इतिहास में कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की गई होगी कि इतने लंबे समय तक कोई गरीबों के लिए सोचे और आज देश में तो हर योजना में महिलाओं को ही मुखिया बनाया गया है, उन्हीं के नाम से सब कुछ जाता है। इसलिए महिला तो अगर आप एक बार पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मोदी जी ही हमको चाहिए और मोदी जी से ही आज हमारा घर चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण और इसके तहत जो तमाम BJP के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी जन हैं, वो अब तैयारियों में लगे हुए हैं और जो 30 मई से 30 जून तक एक महीने का जो सेवा केंद्र की सरकार ने किया, जो गरीबों तक चीज़ें जो है वो पहुंचाई गई, उसके बाद अब अपने मैसेज को साफ BJP करना चाह रही है कि हमने अब तक जो किया वो गरीब के लिए रहा और इससे कितनों को फ़ायदा हुआ। एक बार फिर चाहेंगे वो तैयारियां देखिए, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कल बड़े संख्या में बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद है उसे सुनेंगे। बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।